सो हे गाइस, आपका स्वागत है GD5 के एक और न्यू वीडियो में। हमारे साथ है भाई चौप। है चौप क्या कर रहा है यार आज के दिन? आज का देख रहा हूँ मौसम कितना खतरनाक हो रहा है। आज यार मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज हमारे साथ कुछ भी ना हो, एकदम नॉर्मल सी लाइफ हो। आपको एकदम खतरनाक तरीके से एकदम अच्छी खासी नॉर्मल सी लाइफ दिखाऊंगा मैं। अरे मालिक, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपका ये इच्छा पूरी हो जाए रोजाना की तरह। बोला बोला काला जबान बोला। गाइस कुछ ना कुछ तो होने वाला, 100% लिख के ले लो। अरे फ्रैंकलिन का घर तो इधर ही हुआ करता था ना, कौन सा घर है? 1, 2, 3, ये तीसरा वाला आदमी है, मतलब ये थर्ड क्लास का आदमी, इसीलिए इसका घर थर्ड क्लास में ही होगा। ओ नो, ये आधा सूट कभी भी बंद हो जाता है। चार्विस को मैंने कितना बार बोला इसके ऊपर काम करने के लिए। अरे फ्रैंकलिन, मैं बहुत मुसीबत में फंस चुका हूँ, क्या तुम मेरा हेल्प कर दोगे? मेरा सूट नहीं मिल रहा, किसी ने मेरा सूट चोरी कर लिया, वो भी बहुत ही कीमती सूट है, क्या तुम मेरा हेल्प कर दोगे? अरे भाई साहब, ये तो सब ठीक है, बट ए टोनी, तू ऐसा कैसे बन गया यार? आयरन मैन तू ऐसा कैसे बन गया? गजब बेइज्जती है भाई, पूरे बाल एकदम कड़े कड़े, एकदम खतरनाक करा लिया, चश्मा भी निकलवा लिया, और भाई ये पूरा आधा सूट पहन के क्या कर रहे हो यार? अरे मालिक रुकिए, मैं ना पता लगाता हूँ इनको सूंग करके। ए कुत्ता हट जा यहाँ से, हट जा, मुझे कुत्ते एकदम पसंद नहीं, हट जा। अरे भाई इसको क्या हो गया? अरे वो सब छोड़ यार, तुम भी चुप रहो। अरे भाई साहब टोनी भाई, बताओ यार क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम आ गई? अरे अरे अरे, मेरा एक बहुत ही खतरनाक सूट है जो ना गुम हो चुका है, किसी ने चोरी कर लिया। मैं तुमको लोकेशन भेज रहा हूँ, तुमको वहाँ से लेके आना है अवेंजर्स हाउस। अरे भाई तुम्हारे पास लोकेशन ऑलरेडी, तो भाई तुम भी तो ला सकते हो, मेरे को क्यों भेज रहे हो? अरे मालिक इसलिए भेज रहे होंगे क्योंकि आपका शक्ल चोर जैसा है और आप सब ये सब धंधे में काम करते हो ना, इसलिए भेज रहे होंगे। अरे चौप यार तू मुंह बंद रख यार, बोलना यार टोनी क्यों मेरे को भेज रहा है? अच्छा फ्रैंकलिन, अब तुम टोनी का काम नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना, ठीक है देख लेना, तो टोनी का काम नहीं करेगा ना? अरे भाई साहब कर दूंगा यार, लेकिन आपको एक तो बात बताओ, तुम एकदम आज बदले बदले से क्यों लग रहे हो यार? एकदम खतरनाक तरीके से लग रहे हो, आधा सूट पहन के आए हो और मतलब कि एकदम चश्मा उश्मा, ऐसे तो नहीं थे भाई तुम? अरे हाँ मालिक, मेरे को भी ना कुछ अलग सा महक आ रहा है, मतलब कि इनका महक नहीं है, कुछ अलग सा महक आ रहा है, क्योंकि मैं तो कुत्ता हूँ ना, तो मेरे को सुगंध आ जाती है, इनका कुछ अलग ही महक है। अरे फ्रैंकलिन, ये कुत्ते की बात ना सुनो और तुम भी समझ लो, जल्दी से प्लीज मेरा काम कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी वो सूट की जरूरत है, जल्दी से काम करके अवेंजर्स हाउस जल्दी से आओ। अरे मालिक आज तो आप आराम करने वाले थे ना, क्या बात हो गया, आराम तो रहेंगे क्या आज के दिन? हाँ चौप हो गया तुम्हारा आज कांड शुरू। अरे गजर मैं क्या बताऊँ, ये पूरा काला जवान है ये कुत्ता, हमेशा जो भी बोलते हैं ना काला ही बोलता है। तो चलो यार चौप बैठ जाए यार, गाड़ी में जाना पड़ेगा हमको शहर, लोकेशन जहाँ भेजा गया वहाँ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या ये सूट अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे। अरे मालिक थोड़ा सा आगे होके बैठा करिए, एकदम इनको पीछे बैठाते हैं। अरे यार मैं नहीं बैठाता गाइस, यार देखो यार खुद ये पीछे बैठता और बोलता है कि मैं बैठाता हूँ, मैं कभी बैठाता हूँ गाइस? नहीं ना, ये खुद ऐसे बैठता है, पता नहीं यार इसका क्या लक्षण है ऐसे पीछे होकर के बैठने का, बट कोई ना इसको बैठे देते हैं। बट हम लोग को जाना होगा शहर जल्दी से जल्दी और वहाँ जाकर के चेक करना पड़ेगा कि आयरन मैन का सूट सच में किसी ने चोरी किया है या फिर क्या सीन है। आज का तो यार मुझे सीन ही गजब लग रहा है, आयरन मैन को देखो यार, आप लोग ने देखा ना आयरन मैन को, क्या खतरनाक भाई बन करके आया, मतलब कि एकदम खतरनाक जैसा लग रहा था भाई एकदम, पता नहीं यार ऐसे कैसे हो गया। बट यार हमें क्या हुआ, सबसे हमें तो उसका काम करना है भाई, अपना दोस्त ही है ना, तो चलो यार जल्दी से चलते हैं। अरे मालिक जल्दी से क्यों चलते हैं, ठोक के चलिए ना, किसी को ठोकिए। हाँ हाँ क्यों ठोकू, मैं क्यों ठोकू, इतना मुश्किल से मुझे गाड़ी चलाने आई, ये बोलता ठोको, पागल हो गए क्या? तो यार यहीं पे कहीं लोकेशन में बताया गया था, आसपास देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा सूट। अरे भाई किसी के पास सूट है क्या? अरे ऐसे बोलिएगा तो पक्का मिलेगा। अरे हाँ चौप ऐसे बोलेंगे तो मिलेगा, चलो अंदर चलते, यहाँ पे पक्का देखते कुछ ना कुछ तो हो गई। चौप यार तुम यहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ देख करके। गाइस यार यहीं पे लोकेशन बताया गया आसपास कहीं, पर यार जाके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यार आपको पता होगा भाई कि भाई अगर चौप को लेके गया तो कुछ ना कुछ तो कांड कर ही देगा। गाइस यार यहाँ पे बहुत ही डर लग रहा है भाई, क्योंकि यार यहाँ पे एकदम सुनसान इलाका है और भाई पता नहीं आदमी है भी कि नहीं यहाँ पे भाई, एकदम आराम आराम से जाना पड़ेगा, सीढ़ी से मैं नहीं जाता, मैं जाता हूँ खुदक खुदक के, मजा आता है ऐसे जाने में। चलो यार अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई कि कहीं है कि नहीं है। ओके ओके, और अरे गाइस यार यहाँ पे रहा सूट, और भाई ये आदमी क्या है? अरे भाई साहब ये सूट तुम्हारे पास कैसे आ गया, तुमने चुराया क्या? ए मैंने नहीं चुराया सूट, बट एक बात बता, तू सूट के बारे में कैसे जानता है? और एक बात बता, क्या तू अवेंजर्स के यहाँ आया है या फिर उस लोग का दुश्मन है? अरे भाई साहब मैं तो अवेंजर्स का ही आदमी हूँ, दिख नहीं रहा क्या? अरे भाई साहब मुझे टोनी स्टार्क ने भेजा, आयरन मैन ने भेजा, तुमको तो पता ही होगा। अच्छा तुमने टोनी के तरफ से आयो, मैं शील्ड का आदमी हूँ और मुझे ये सूट की रखवाली करने के लिए रखा गया है। एक बात बताओ तुम ये सूट ले जाना चाहते हो, उससे पहले तुमको इसका कोड बताना पड़ेगा, अगर कोड नहीं बताओगे तो तुमको ये सूट नहीं मिल पाएगा। और ये गाइस ये कोड क्यों पूछ रहा है मेरे से? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को ये ना अपने चाल में फंसा रहा है और बोलेगा कि भाई तुमको कोड नहीं मालूम तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यही चोर है यही चोर है, ये मुझे शील लूट का आदमी नहीं लग रहा है, पक्का बता रहा हूँ मैं। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से कोड बताओ, ये सूट को लेकर जाओ। कोड है
तेरी बहन को चमन। अल्ला मैं शील्ड में बोल दूंगा कि तुम ना मेरे को माला। अरे गजर जैसे कि आप लोग देख पा रहे ये तो भाई एकदम बेहोशी हो गया, वो भी एक थप्पड़ में। शील्ड का आदमी इतना खतरनाक भाई, मुझे लगता है ये शील्ड का आदमी नहीं होगा, ये पक्का कहीं ना चोर चमारी होगा आदमी लोग। चलो यार ये सूट के अंदर बैठते हैं, ये सूट को पहनते हैं और निकलते हैं यार टोनी स्टार के घर, और वहां जाके सूट को देके आते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे यार। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे मैंने यार सूट को पहन लिया, और इसका पावर एक्टिवेट करने से पहले हम लोग चलो यार चॉप को भी बोल देते हैं सूट में आके आ जाने के लिए, क्योंकि यार इसमें हम लोग दो जन फिट हो सकते हैं, कुत्ता भी हो सकता है। हाँ ये बात सही है। तो यार चलो यार चॉप के पास चलते हैं। चॉप कहाँ यार तुम? अरे वो तो गाड़ी में ही है, मैं भी कितना बकलोल भूल गया था। चॉप जल्दी आ जा यार, इसमें बैठ जा। अरे मालिक आपको मिल गया, इतना जल्दी मिल गया, कैसे मिला? अरे यार बहुत ही लंबी कहानी है। अरे तो ऑडियंस को भी तो जानना है, मेरे को भी तो जानना है। अरे ऑडियंस को पता है, मैं तेरे को बता देता हूँ, वहाँ पे एक आदमी था जो चोर टाइप का बिहेवियर कर रहा था, मैंने उसको मारा और ले लिया। अरे इतना इजी, मजा आ गया मजा आ गया, चलो चलो चलते हैं आयरन मैन के पास। सो गाइस यार चॉप और हम लोग यार सूट पे बैठ चुके हैं, और हम लोग जाने वाले यार अवेंजर्स हाउस। उससे पहले यार कुछ दुश्मनों को भी मार दें, बहुत दिनों से यार उन लोग ने मेरे को ना बहुत परेशान किया था, कहाँ गए इन लोग। अरे यार ये रहे नीचे, नया वाला सूट का पावर भी चेक कर लिया गाइस यार, कैसा लगता है। और गाइस यार जैसे कि आप लोग देख पा रहे ये रहे इन लोग, अब इन लोग को मैं मारूंगा, उससे पहले मैं तो मर जाऊं। अरे क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये सूट है कि क्या है, बवाल चीज है यार। अरे गाइस यार इन लोग मर ही नहीं रहा, टट 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 मार। अरे गाइस यार कितनी कमाल की सूट यार, देख रहे हो क्या ही खतरनाक सीन है इसमें। मर जा सब मर जा, ओ मर जा और तू भी मर। ओके गाइस और जैसे कि आप लोग देख पा रहे मैं यार इन लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से मार पा रहा हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पे मिसाइलें छूट रही है, मतलब कि एक पूरा फाइटर है, फाइटर यार ये सूट एकदम, इसे मिसाइलें छूटती है, मतलब फाइटर है, क्या ही खतरनाक सीन आ रहा है। अबे तू कहाँ से मार रहा है, चगरबट्टी पगरबट्टी, भागो यहाँ से तुम लोग सब। ओ लेटे लेटे मारोगे, लेटे लेटे चचा लेटे लेटे मारेंगे। अरे तू चचा तू गिर के मारो, गिर के मारो। अरे 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 मेरे को भी लग रहा है, तो गिर के मारो। अरे मालिक राम से मेरे को भी चोट लग रहा है, पीठ में मैं हूँ। अरे यार तेरे को पीछे बैठने कौन बोला था, बट कोई ना कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो देखो जल रहा तब भी यार जिंदा है, तो मैंने यार सबको मार दिया यहाँ पे, मतलब यार मैंने यार सबको यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब यार आगे में एक और जन है जो यार मेरे से भी दुश्मनी लेना चाहता है। ओके गाइस यार ये तो लगता है कि आग बुझाने के लिए आया, तो लगता है मुझे इन लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, आग बुझा देना चाहिए, क्योंकि जो भी आग लगा है मेरे वजह से लगा। सो गाइस चलो यार हम लोग जाने वाले भाई अवेंजर्स हाउस ये सूट को देने के लिए। भाई ये सूट का पावर बहुत ही कमाल का, आपने जैसे कि देखा बहुत ही कमाल की पावर है सूट की, तो यार मुझे तो बहुत ही पसंद आई। आपको कैसे लगी यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और यार मैं एक बार क्या करता हूँ ना कॉल कर देता हूँ टोनी स्टार को कि मैं लेके आ रहा हूँ, तो मजा ही आ जाएगा। चलो यार मैं कॉल जल्दी से जल्दी कर ही देता हूँ। अरे फ्रैंकलिन अंदर मत आना, अंदर मत आना, बाहर रहो, अंदर आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैं बाहर ही मिल रहा हूँ, तुम बाहर ही खड़े रहो। चलो यार बाहर फ्रैंकलिन आ रहा है सूट लेके, मैं बाहर जाता हूँ सूट लेने के लिए। अरे यार मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि बाहर में वेट करने के लिए, अंदर नहीं। पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है कि भाई टोनी स्टार्क बाहर में वेट करने के लिए बोल रहे, अंदर नहीं बोल रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हुआ, बट यार बाहर में वेट करने के लिए बोले। चलो वेट ही बाहर कर लेते, क्या हो गया यार उन्हें। चलो 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 सूट आ गया, सूट आ गया, अच्छा हुआ कि वो अंदर नहीं आया तो दिक्कत ही हो जाती। चलो बाहर चलो, सूट आ गया हमारा। अरे फ्रैंकलिन शुक्रिया ये सूट लाने के लिए, ये सूट बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, चलो ले आओ मेरे लिए, निकालो ये सूट से बाहर आओ। अरे मालिक ऐसे सूट मत दीजिए, पहले पूछिए तो कि ये हमें अंदर क्यों नहीं आने दिए, कुछ कतड़ वाली बात है क्या? अरे चॉप चुप हो जा। अरे टोनी स्टार्क है, बहुत बहुत महान आदमी है, तुमको क्या पता, तुमको ये सब पूछोगे? भागो यहाँ से, मेरे को यार मैं जानता हूँ इन्हें, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं बहुत। अरे ले लीजिए सूट, ले लीजिए सूट, क्या सूट का क्या सोच रहे, ले लीजिए। चलो बढ़िया है, ये सूट हमारे पास आ गया, अब तुम लोग दोनों जा सकते हो। अरे टोनी स्टार्क सर जी थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी हो जाए क्या, थोड़ा सा हो जाए। अरे हाँ यार मैं भी बहुत ही पसीना पसीना हो गया, कुछ नाश्ता पानी मिल जाएगा? हम लोग नाश्ता पानी नहीं करते, जाओ अवेंजर्स, फालतू बैठे क्या तुम्हारे लिए नाश्ता पानी करने के लिए, जाते हो सिक्योरिटी बुलाओ। अरे जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ आयरन मैन, जा रहा हूँ कंट्रोल। अरे दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट तो कुछ तो गड़बड़ है। चलो बढ़िया है, अब मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सूट हो चुका है, आयरन मैन के शरीर में आकर के बहुत मजा आ रहा है, और तुम लोग दोनों बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। आई ला ये तो मेरे को मार देगा, अरे ऊपर वाले बचा ले, पता नहीं कौन आ गया, हमें कब्जा कर लिया, पूरा अवेंजर साउथ को कब्जा कर लिया। अरे तुम मेरा चारा लेके ये सब क्यों कर रहे हो, इतना खतरनाक सूट वो भी शील्ड के नजरों से चुरा लिया, कैसे तुमने चुराया? अरे मैंने कहा चुराया, मैंने तो फ्रैंकलिन को भेजा था इसे चुराने के लिए, और वो पागल बच्चे ने क्या किया पता है, उसने किया शील्ड के आदमी को ही मार करके ये सूट ले आया, मतलब कि इतना पागल कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, वही बच्चा और कौन हो सकता है।
अरे मालिक चिंता ना करिए, वो पागल बच्चा आपको ही कह रहा है। और एक बात बताइए, आपने शील्ड के आदमी को मार दिया और मेरे को कुछ बताया भी नहीं, और बोल रहे थे कि वो चोर है, पागल हो गए क्या? सूट पैंट पहन के कौन चोर रहता है? अरे गौजर, मैंने इतनी बड़ी गलती कर गई ना यार, मैंने समझा ही नहीं। अभी क्या होगा, इसके पास तो दुनिया का सबसे खतरनाक सूट आ गया, अवेंजर्स के घर में कब्जा हो गया, और ये मैंने देख भी लिया, अब तो ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। चलिए यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन लोगों को बचाना तो पड़ेगा ही दोनों को। अब पूरा जगह पे मैं कब्जा कर लूंगा। हा हा हा।